इस मुल्क के पहले प्रधानमंत्री ने यह कहा कि अगर तमाम मुजाहिदीन के तमाम लोगों की कोशिशों को एक तरफ रखा जाए और उलमाए सादिकपुर की कोशिशों को और उनकी जिहाद को और उनकी मेहनतों को एक तरफ रखा जाए तो तमाम भारत के मुजाहिदीन का पल्ला ऊपर चला जाएगा और उलमाए सादिकपुर की खिदमतों का पल्ला नीचे हो जाएगा, भारी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, उलमाए सादिकपुर पूरे के पूरे अहले हदीस थे। हमने इस मुल्क को कैसा बचाया है, हमने इस मुल्क को कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे असराफ ने अपना बलिदान दे करके इस मुल्क की आबियारी की है, हमने मिल्लत की भी हिफाजत की, मुल्क की भी हिफाजत की और हम जमात की हिफाजत करना भी जानते हैं। मेरे भाइयों, लोगों के रोबो दबदबे से डर मत जाओ, हौसले बुलंद रखो। हमारा ताल्लुक उस जमात से है जिस जमात की बागडोर अल्लाह के हाथ में है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाहिरीन अलल हक, ये हमेशा हक पर कायम रहेंगे, ला यज़ुर्रुहुम मन खालफहुम, इनके मुखालिफीन इनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे।